हेलो गाइस, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। संडे है, उठ गए आप सब? 11 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, है ना? इसलिए मैंने आज 10 बजे ना रख के 11 बजे रख, थोड़ा सा तो रहम हो जाए बच्चों पे, बालकों पे, बालिकाओं पे। फटाफट बता दो भाई। ऑल क्लियर? ठीक है। गौरव, राजदीप, निधि, आसफा, रंजेश, अंजलि। ठीक है भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको आज का थंबनेल दिखा होगा, एक ओरिएंटेशन क्लास लाने का मेरा उद्देश्य क्या है? हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं ऐप पे, हमारी कल से ऐप पे क्या हो गया? एक मिनट गाइस। हमारी कल से ना ऐप पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी, टाइमिंग आपको पता है। और हाँ, कई बच्चों का मेरे पास फोन आया कि मैम फिर यूट्यूब की क्लासेस बंद हो जाएंगी क्या? तो ऐसा कतई नहीं होगा। याद रखिएगा, यूट्यूब पे हमारी डेली 10 बजे सुबह सुबह 10 AM क्लास रहेगी। ठीक है, डेली क्लास रहेगी। कभी इंटरनेट वगैरह का इशू हो जाए तो अलग बात है। तो ध्यान रखिएगा, यूट्यूब की क्लास हमेशा रहेगी, उस क्लास को आपको देखना ही है। जैसे ही हम पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, वैसे ही हम कोई दूसरा सेगमेंट उठाएंगे, यूट्यूब पे हमारा चलता रहेगा। बात आती है दोस्तों मेंस की, तो हम बेसिकली डेली 12 बजे से, ठीक है, 12 PM दिन में, मतलब 12 बजे से 1:30 बजे तक हमारी ऐप पे क्लास होगी, जिसमें हम पहला पार्ट लेके चल रहे हैं, पॉलिटी विद करंट अफेयर्स। डिटेल से सबसे पहले हम समझते हैं कि ओरिएंटेशन क्लास का मतलब, एक तरीके से हम अगर ये क्लास लेके आए हैं तो उसके पीछे का कुछ आधार होगा जो अभी आपको क्लास में समझ में आएगा। ठीक है, तो स्वागत है आप सबका ललिता दहिया अकेडमी पे। फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप ललिता दहिया अकेडमी। मेरी जितनी भी क्लासेस होती है ना, चाहे वो ऐप पे होंगी या फिर अभी यूट्यूब पे होंगी, तो हर क्लास का टाइमिंग, लिंक, नोटिफिकेशन, PDF सब आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। ठीक है, ऐप के जो PDF मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे मिलेंगे, जो ऐप वाले बच्चे होंगे। अभी बात करते हैं दोस्तों, आप फटाफट मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, लिंक्डइन से भी जुड़ सकते हैं। हर जगह ललिता दहिया अकेडमी के नाम से ही आपको मेरा मिलेगा। अब बात करते हैं, ऐप आ चुका है, फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए ललिता दहिया अकेडमी ऐप को। फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना इंस्टॉल करके साइन अप कर लीजिए। 2 बैचेस आ चुके हैं यहाँ पे, पॉलिटी विद करंट अफेयर्स फॉर IAS मेंस 2022-23-24, और इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस विद करंट अफेयर्स फॉर IAS मेंस 2022-23-24। इसकी जो पॉलिटी वाला बैच है, ये हमारी कल से 27 तारीख से क्लासेस शुरू होने जा रही है। जिस बच्चे ने एनरोल करा लिया है बहुत बढ़िया बात है, जिसने एनरोल नहीं कराया है और मेंस को बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही शानदार ढंग से, विद आंसर राइटिंग, विद करंट अफेयर्स, विद कंसेप्चुअल क्लियरिटी, आप कुछ भी लिखने में सक्षम होंगे और पूरे सिलेबस की कवरेज, तो जुड़ जाइए मेरे इस बैच से। ठीक है, ये कल से शुरू हो रहा है। IR का जो बैच है ये 5 जुलाई के आसपास से शुरू होगा, 5 जुलाई के आसपास से शुरू होगा। तो जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस बुनियादी तौर पे पढ़ना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है, वो जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे एक बात के लिए मैं आश्वस्त करती हूँ, जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे को PT में देखा है, चाहे 2021 का एग्जाम हो, फिर 2022 का पेपर हो, 100% पढ़ाया हुआ आया, बिल्कुल डिट्टो क्लास के क्वेश्चंस आए, उसी तरीके से आप मेंस में देखोगे। और अब आप लोगों को, कई बच्चों को पॉलिटी जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटी बिल्कुल हलवा लगने लग गई होगी, कुछ है नहीं पॉलिटी में। यदि आप समझ के पढ़ते हो तो, रट के पढ़ते हो तो फिर आज रटोगे और 4 दिन बाद क्या होगा, भूल जाओगे। भाई सिंपल सा फंडा है, रट के पढ़ने का नाम नहीं है। यदि समझ के पढ़ते हो तो आप लोगों को पॉलिटी आसान लगने लगा होगा, PT के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा पढ़ना कैसे होता है। ठीक है, इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों सबसे पहले हम इस बात की शुरुआत करेंगे कि आखिर आप IAS बनना क्यों चाहते हैं, वो कौन सा मोटिवेशन है जो आपको पुश करता है, जो आपको धकेलता है आगे की ओर पढ़ने के लिए।
आपको प्रोत्साहित करता है वो कौन सा मोटिवेशन फैक्टर है। हर व्यक्ति का मोटिवेशन फैक्टर अलग अलग होगा। आप में से कई लोगों का मोटिवेशन फैक्टर संभवतः ये होगा कि मुझे हजारों लोगों की जिंदगियों को बदलना है अपने कार्यों के माध्यम से। बहुत सारे लोगों का हर आंख से आंसू पोंछने का आदर्श कई बच्चों का होगा कि हाँ वास्तव में हमें जन सेवा करनी है, हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा यदि जो नीतियां होती हैं उनका क्रियान्वयन या जो योजनाएं होती हैं उनको हम बेहतर तरीके से अप्लाई कर पाए तो हम हजारों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। अच्छा बताओ, बिल्कुल सही बात है। राकेश बोल रहे हैं अपने पेरेंट्स की आंखों में सपने को पूरा करने की चाहत और रिश्तेदारों के हंसते हुए चेहरे का बदला लेने की चाहत। यहाँ पे मैं करेक्ट करूंगी राकेश, देखो पेरेंट्स के सपनों को पूरा करो, बहुत बढ़िया। ये ना हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा, बिल्कुल खुल के आज हम बात करेंगे एक डेढ़ घंटा आराम से। इसे आप मेरे साथ एक बातचीत भी मान लो, आप अपने विचारों को भी रखो। यहाँ पे राकेश एक बात ध्यान रखना बच्चे, आप अपने पेरेंट्स के सपनों के लिए पढ़ो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये जो दूसरा सेंटेंस है ना रिश्तेदारों के हंसते हुए चेहरों, इसके लिए कभी मत पढ़ो। अपनी मोटिवेशन ये कभी भी मत रखो। नेगेटिव यदि मोटिवेशन रखोगे ना तो फिर गड़बड़ बात है, फिर आपके लक्ष्य में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होता रहेगा इन्हीं लोगों के द्वारा। कुछ करेंगे भी नहीं तो भी आपको अंदर से नेगेटिविटी फील होगी और उसका असर आपकी प्रिपरेशन पे पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा अपने उद्देश्य को ना पॉजिटिव रखो। आपका उद्देश्य पॉजिटिव है, आपको आईएएस बनना है तो आपका मोटिवेशन भी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना बच्चे। और जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन फिर अपने आप जवाब मिल जाता है ना। तो इसलिए हमें बहुत धूम, ये नहीं है कि भाई पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दो, पहले आईएएस की तैयारी कर रहे हैं भाई पीटी देंगे इस बार, एकदम फॉर्म भर दिया है और जो है रोल नंबर आ गया है और इस बार पीटी में बैठेंगे और इस बार आईएएस बनना तय है। चुपचाप पढ़ो, इतनी खामोशी से पढ़ो कि जिस दिन सफलता मिले उस दिन शोर मच जाए, हल्ला हो जाए अपने आप, ठीक है। और ये नेगेटिव उद्देश्य कभी मत रखो, ठीक है। अब एक मोटिवेशन में बता रही थी कि ये होता है, दूसरा मोटिवेशन होगा किसी के लिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, हालांकि इनकी संख्या कम होगी, कि भाई पैसा का मोटिवेशन है। किसी का मोटिवेशन इस तरीके से होगा कि बहुत शाही जिंदगी होगी भाई, बहुत बड़ा बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, रुतबा होगा और एक पहुंच होगी, एक पूछ होगी, है ना भाई, हर व्यक्ति के सामने मेरा एक धौंस होगा, समझ रहे हो। किसी व्यक्ति का मोटिवेशन हो सकता है कि गर्लफ्रेंड से वैसे तो शादी हो नहीं पाएगी, हम कहां वो कहां, तो आईएएस बन जाते हैं। और ये मोटिवेशन बुरा भी नहीं है, क्या क्या है, किसी भी मोटिवेशन से यदि आप आईएएस बन रहे हो तो अच्छी बात है। कुछ दूसरी कैटेगरी के भी लोग होंगे जिनका क्या हो गया, दिल टूट गया है, अब वो ये सोच रहे होंगे बदला लेंगे तो आईएएस बन के लेंगे, ये मोटिवेशन भी बुरा नहीं है। मतलब ऐसे लोग होंगे, हंसने की बात नहीं है, होंगे, ठीक है। और मोटिवेशन कुछ भी रखो लेकिन वो ना अंदर से होना चाहिए। किसी के कहने से आईएएस अगर कोई बनने का ख्वाब पालता है तो वो 2 महीने पढ़ेगा, 1 महीना नहीं पढ़ेगा, फिर 2 महीने पढ़ेगा, मोटिवेशन आएगा कहीं से, फिर 2 महीने नहीं पढ़ेगा। तो आपके अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। मेरे कहने का निहितार्थ ये है कि आपका मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पे आप बन गए आईएएस ऑफिसर, और याद रखिएगा दोस्तों आप बन सकते हो, आप में से ही लोग बनते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं बन सकता या नहीं बन सकती। यदि ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आ रहा है तो यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए आपकी प्रिपरेशन पे। यदि आपकी प्रिपरेशन 101% तरीके से सही चल रही है, सही दिशा में चल रही है, कंटिन्यूटी के साथ चल रही है, तो फिर ये थॉट आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। आप एक बार असफल हुए कोई बात नहीं, फिर से उठो, दूसरी बार असफल हुए कोई बात नहीं, फिर से उठो, लेकिन दूसरे लोगों के अंदर मोटिवेशन मत खोजो। दूसरे लोग हमेशा आपको एक दिन मोटिवेट कर सकते हैं, 2 दिन, तीसरे दिन कहेंगे यार ड्रामा है, यार पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, इसको रोज मोटिवेशन चाहिए।
जब आप अपने उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं ना, तो यही लोग जो आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, यही लोग कहेंगे कि हाँ हमको तो पता था भाई, आईएएस बनने के लिए ही पैदा हुआ है ये, या पैदा हुई है, कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। तो इसलिए मोटिवेशन अपने अंदर से लाओ, वो आग जो होती है ना कि कुछ करना है, करके रहेंगे, और क्यों करना है। तो आईएएस का जो पद होता है, मोटे मोटे तीन चार चीजें होती हैं। सबसे पहले आपकी एक सामाजिक पहचान, आपको ना एक सामाजिक पहचान मिल जाती है। जैसे ही आज यदि आप अपनी बात किसी के सामने रखते हैं, आज आप स्टूडेंट हैं, आज यदि आप अपनी बात किसी के सामने रखते हैं, तो बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे, मतलब आपकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं होती होगी, है ना, सच कह रही हूं क्या, कि एक कान से सुना दूसरे से निकल दिया। लेकिन यही बात यदि आप कल आईएएस बन के बोलेंगे तो आपकी बात को सुना जाएगा, इतने ध्यान से सुना जाएगा कि मतलब लगेगा कि जीवन धन्य हो गया भाई। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक पहचान मिलती है, लोगों के बीच में आप एक अलग व्यक्तित्व के तौर पे पहचाने जाते हो। जब आप जाओगे तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे आपको देख के कि हाँ भाई कुछ बात है। दूसरी बात है दोस्तों, समाज सेवा करने का बेहतर आयाम मिलता है। आप लोगों में से कई बच्चे अभी ऐसे होंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट का नेचर अलग अलग होता है, सब एक जैसे नहीं हो सकते, ये भी फैक्ट है, सब एक जैसे हो ही नहीं सकते, ये सच्चाई है। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो किसी गरीब व्यक्ति को देखते होंगे तो अंदर से दर्द जगता होगा कि काश मैं इस गरीब व्यक्ति के दुखों को दूर कर पाता या कर पाती। कोई जून की गर्मी में नंगे पैर चल रहा है सड़क पे तो लगता होगा कि काश इसके पैरों में चप्पल हो। और आप में से कई ऐसे भी होंगे जो अपने पॉकेट मनी से बचा के उसको चप्पल पहना देते होंगे। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो दिसंबर की ठिठुरती हुई ठंड में यदि बाहर निकले और देखें कि सड़क पे बिना कपड़ों के लोग सो रहे हैं, बोरे को ढक के सो रहे हैं, तो मन में इच्छा आती होगी कि काश मैं इन लोगों के दुखों को दूर कर पाऊं, काश मैं इन लोगों को कम से कम एक कंबल मुहैया करा पाऊं। आप में से कई लोग ऐसे होते होंगे, लेकिन अभी हम उतने सक्षम नहीं होंगे। अभी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सक्षम नहीं होंगे, जो मुश्किल से अपनी पढ़ाई का खर्च उठा पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मोटिवेशन का फैक्टर क्या होना चाहिए, और वो कर सकेंगे आईएएस बनने के बाद हजारों लोगों के अंधेरे जीवन में रोशनी करने का साहस, रोशनी करने का जो एक जज्बा था उसको पूरा कर पाएंगे आप। आईएएस एक ऐसा पद है, यदि आपने योजनाओं को बेहतर तरीके से, ईमानदार तरीके से लागू कर दिया तो हजारों उदास चेहरों पे आप मुस्कुराहट ला पाएंगे। ये है आईएएस का पद। केवल पावर के लिए आईएएस नहीं बनना है, और पैसे के लिए तो कतई नहीं बनना है, जिंदगी झंड हो जाएगी। अपनी आवश्यकताएं कम रखो, मेहनत करो, तो फिर पैसा उतना जरूरी होता है जितने से अपना जीवन चल जाए। क्या करोगे फालतू में बच्चों के लिए पैसा जोड़ के, ये बंगला बना दिया, वो बंगला बना दिया, यहाँ जमीन खरीद दी, ये कर दिया। अरे बच्चों को इस लायक बनाना जीवन में कि वो अपना मुकाम खुद हासिल करें, ये थॉट प्रोसेस लेके यदि आप इस सिविल सर्विसेज में जाते हो, सिविल सर्विसेज का मतलब ही है सर्विसेज, मतलब सेवा करने जा रहे हो, आप सेवक के तौर पर जा रहे हो, तो ऐसे बच्चों को समाज सेवा करने का बेहतर आयाम देता है क्या आईएएस का पद। बिल्कुल सही बात है भाई, अब पैसा सबकी, वही मैंने कहा ना, सब एक जैसे नहीं हो सकते, सबकी अलग अलग थॉट प्रोसेस है, मैं सामान्यतः बात कर रही हूं। अब अगला पॉइंट आता है, और क्या कर सकते हो, तो आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। आप एक सड़क पे सो रहे व्यक्ति को घर उपलब्ध करा सकते हो सरकारी योजनाओं के माध्यम से, यदि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करोगे तो। आप आपदाओं के समय में, जैसे कोरोना आया, आपदा को यदि अवसर ना बनाओ तो, आपदा को बहुत सारे लोग अवसर बना लेते हैं, अपना घर भरते रहते हैं, पता नहीं ऐसे ऑफिसर्स को नींद भी कैसे आती होगी रात में। यदि आपदा में आप किसी मरते हुए व्यक्ति के पैसे को खा के अपनी जेब में डाल दो, सुकून कहां से मिलता है आप लोगों को, मतलब ऐसे लोगों को सुकून कहां से मिलता होगा।
आपदाओं में आप लोगों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकते हो छोटी छोटी हेल्प के माध्यम से। और वो हेल्प आप अपनी जेब से नहीं करोगे, सरकारी पैसा होगा, बस उसको सही जगह सही ढंग से खर्च करना होगा। ठीक है, तो लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। और एक पॉइंट आता है करियर डेवलपमेंट। भाई हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, अपनी एक अलग पहचान बनाने का प्रयास करता है, उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है। और यदि आप आईएएस बनते हो तो करियर डेवलपमेंट का सबसे बेस्ट मौका होता है, क्योंकि आईएएस का पद सबसे बड़ा पद मानते हैं सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोटे तौर पे आप लोगों को ये समझ में आया, अंदर से मोटिवेशन लाना है। और याद रखिएगा, यदि ये मोटिवेशन सही तरीके से आप अंदर से लेके आते हैं ना, तो आपकी जो ये वाली प्रवृत्ति है ना, चार दिन पढ़े उसके बाद जी तीन चार दिन जी खत्म ऐसे ही, फिर से दो दिन जागोगे कहीं से सुनोगे कुछ, फिर से चार दिन ऐसे ही, याद रखना यदि ये प्रवृत्ति रही तो आईएएस नहीं बनोगे। अगर मेरी बात कड़वी लगती है तो 100 बार लगे, मैं वही कहूंगी जो सच है। आप भले ही 6 घंटा दिन में पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है, निरंतरता बरतनी है आपको, आप अपनी पढ़ाई में निरंतरता के साथ पढ़ना है। और दूसरी बात, समझते हुए पढ़ना है। आप जो भी, मान लीजिए मैं आप लोगों का कोई लेक्चर लेती हूँ, कोई भी मैं क्लास पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने कल भारतीय संघ और राज्य वाला टॉपिक पढ़ाया, तो पढ़ाने के बाद ना आपका ये दायित्व होना चाहिए, ये नहीं कि क्लास खत्म है छुट्टी, अब बच्चे नहीं रहे हो, आईएएस बनने वाले हो, आप लोगों का ये दायित्व होना चाहिए कि क्लास खत्म हुई तो उसी समय आप आंख बंद करके 10 मिनट आंख बंद करके सोचो, अच्छा क्या क्या बताया था मैम ने, ठीक है भाई आर्टिकल 1 ये होता है, 2 में ये है, 3 में ये है, सॉरी गाइज, अधिकृत क्षेत्र ये होता है, ठीक है टेरिटरी ये है, यूनियन ये है, फेडरेशन ये है, आर्टिकल 4 में ये बातें हैं, और जब नया राज्य का निर्माण, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन की बातें हैं, तो ये प्रोसेस है। यदि आप हर क्लास के बाद केवल इतना करते हुए चलते हैं और हफ्ते में एक दिन रखते हैं रिवीजन का, कंप्लीट रिवीजन, उस दिन कुछ नया नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना हमने 5 से 6 दिन में पढ़ा है उसको 100% रिवीजन करना है, तो आप यकीन मानो आप बहुत आगे निकल जाओगे। ये प्रोसेस चला के तो देखो। लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्लान बहुत तगड़े बनाते हो, ये पढ़ देंगे वो पढ़ देंगे एकदम जबरदस्त तरीके से, लेकिन वो प्लान अप्लाई नहीं कर पाते हो। गलत बोल रही हूं कि सही बोल रही हूं, बताओ फटाफट। कहां चले गए? अच्छा मेरे ही फोन में गड़बड़ है, आप लोगों का क्या कसूर? ठीक है, इस बात को ध्यान रखना यार, VSN 112 टीचर की बाढ़ सी आ गई। देखो हर टीचर मेहनत करता है यार, टीचर हर व्यक्ति यदि अपना समय दे रहा है ना, तो आप ये समय हम अपना घर देखने में भी जला सकते हैं, अपना पार्टी करने में भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखो, ये आपको चूज करना है। ये नहीं है कि हर किसी से पढ़ना है, हर कोई टीचर मेहनत कर रहा है, आप मेरे से पढ़ो, दूसरे व्यक्ति से पढ़ो, किसी को भी फॉलो करो, मैं ये नहीं कह रही मुझे फॉलो करो, लेकिन जिसको कर रहे हो ना उसको फिर रिलीजियसली फॉलो करो, कंटिन्यू फॉलो करो। ये नहीं है 5 दिन यहां से पढ़े 5 दिन यहां से, उसका डिसीजन आपको 1-2 बार जब आप क्लासेस लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना बच्चे। तो अपने संसाधनों को सीमित रखो। तो इसलिए जो मैं बात कह रही थी, आप लोग मेरी बात से 101% सहमत है दोस्तों, कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है और रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो आप योजनाएं बनाते हो ना, व्यवहारिक योजनाएं बनाओ। कई बच्चों का टाइम टेबल, आप लोगों को लगता होगा पता है कैसा, आप सबसे पहले बार टाइम टेबल क्या बनाते हो, 6 बजे उठूंगा, 6:30 बजे पढ़ना शुरू, 6:30 बजे से 9:30 बजे तक पढ़ूंगा, फिर जो है 10 मिनट नाश्ते के, फिर बैठ जाऊंगा 9:45 पे पढ़ने के लिए, 9:45 से 11:30 बजे तक पढ़ूंगा, फिर जो है 5 मिनट व्हाट्सएप देख लूंगा,
ग्यारह बज के 35 मिनट से 1 बजे तक पढ़ूंगा, डे आधा घंटा क्या आधा घंटा निकाल देते हैं लंच करने का, फिर जो है 1:30 बजे से, ये कभी पॉसिबल है क्या? अरे इंसान हो भाई, मशीन नहीं हो, इज दिस पॉसिबल? तो ऐसी योजनाएं बनाते क्यों हो जो धराशायी हो जाए, जिससे आपका मोटिवेशन और डाउन हो जाए? तो आपको ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो सकारात्मक हो, जो आप कर सकें। हाय रे, प्राण नहीं देने हैं अपने, जान नहीं, जिंदगी नहीं खत्म करनी है भाई, ऐसे कौन पढ़ता है भाई? 5 मिनट का सांस ले लो, रुक जाएंगी सांस, ठीक है, थोड़ा सांस लेने का समय लो और इस तरीके का टाइम टेबल बनाओ। नहीं, टाइम टेबल पॉसिबल है यदि वो व्यवहारिक हो, तो यदि वो व्यवहारिक हो, ठीक है, तो व्यवहारिक योजनाएं रखो। ये योजना नहीं रखनी है अगले 2 दिन में जो है ना लक्ष्मीकांत को निपटा दूंगा, मतलब लक्ष्मीकांत की किताब को निपटा दूंगा, तो ध्यान रख लेना, वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता यार। लक्ष्मीकांत की जब आप किताब पढ़ोगे, उसमें इतने सारे कंसेप्ट्स, इतने सारे फैक्ट्स, इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी कि वो व्यवहारिक ही नहीं है। हाँ, यदि आपने एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ी है और उसके बाद आप कहो कि भाई अगले 10 दिन में मैं लक्ष्मीकांत के इम्पोर्टेंट सेगमेंट को खत्म कर दूंगा या कर दूंगी, तो फिर वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो व्यवहारिक उद्देश्य बनाओ, व्यवहारिक लक्ष्य बनाओ। अगली बात हम दोस्तों ये करेंगे कि हमारी जो रणनीति होनी चाहिए, मतलब जब आप आईएएस की बात सोचते हो तो आईएएस के 3 चरण होते हैं, एक होता है पीटी, एक होता है मेंस, एक होता है इंटरव्यू। सबसे पहली बात करते हैं पीटी। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्तमान दौर में जो सबसे टफेस्ट माध्यम है वो है पीटी, और खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, 2010 से पहले हिंदी मीडियम का पीटी बहुत बड़ी मात्रा में हुआ करता था, जब से पहले सी सेट नहीं था, तो जब ऑप्शनल 2 चीजें हुआ करती थी, एक जीएस हुआ करता था और एक ऑप्शनल फैक्चुअल हुआ करता था, मतलब जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो फिर भाई ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी है तो पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, एक जीएस का पेपर हुआ करेगा, हुआ करता था। तो उस समय तक हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत ज्यादा था, और फाइनल रिजल्ट भी आप देखोगे कि लगभग 30-40% रिजल्ट हुआ करता था हिंदी माध्यम का। लेकिन वर्तमान समय में आप देखोगे कि पीटी पास करना ही मुश्किल हो गया है, सी सेट भी उसमें बहुत बड़ी हर्डल साबित हो रहा है। इस बार भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जीएस में बहुत शानदार स्कोर था, लेकिन सी सेट की वजह से उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, और भी बहुत सारे रीजन है। आप जब हिंदी, आप सी सेट को भी छोड़ दो, जब जीएस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, तो आपका नजरिया, आपकी जो तैयारी करने का तरीका है, कई बार उसमें दोष होता है। आप में से कई बच्चे रिलेट करेंगे, आप बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करके गए, आप बहुत बढ़िया तरीके से किताबों को पढ़ के गए, लक्ष्मीकांत बढ़िया तरीके से किताब निपटा दी, विपिन चंद्रा निपटा दी, सविंदर सिंह निपटा दी, ठीक है, आपने एनसीईआरटी निपटा दी, लेकिन पीटी फेल हो गया। पता है क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करके गए, आपने एमसीक्यू नहीं लगाए, आपने पिछले सालों के क्वेश्चन नहीं लगाए। तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो थोड़ी थोड़ी चीजों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ, और वो कंफ्यूजन किताब पढ़ने से दूर नहीं होगा खाली। यदि आपको पीटी पास करना है तो आपको कंटिन्यूटी के साथ एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज को रेगुलर बेसिस पे लगाना होगा, एक एक टॉपिक के साथ लगाना होगा, जिससे आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ जो सिली मिस्टेक होती है, जो छोटी छोटी बातों के ऊपर कंफ्यूजन होता है, वो दूर हो जाए। उससे अगली बात है, जब भी आप किसी किताब को पढ़ते हो दोस्तों, जैसे आप लक्ष्मीकांत को ही पढ़ते हो, तो आपको किस चीज पे गौर दे के पढ़ना चाहिए कि भाई यहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, लक्ष्मीकांत हमारी अभी चल रही है, हम पॉलिटी सीरीज चला रहे हैं रोज सुबह 10 बजे यूट्यूब पे, तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, रितिका आ रही हूं आपकी बात पे, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, मैं आपको बार बार बताती हूँ, इसको गोल कर लो, यहाँ पे पीटी लिख लो। तो आप जब पढ़ते हो तो आपको अपनी पढ़ाई का पैटर्न ऐसे ही रखना होगा, और वो कैसे आएगा? जब आपने पिछले सालों के क्वेश्चंस को 10-20 बार देखा होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन यहां से बनता है, इस एंगल से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अपने पढ़ाई के तरीके को आपको बदलना पड़ेगा।
कई बच्चे होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखनी है जो मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ दोस्तों, ये है एक स्टेडियम और आप जो हो इस स्टेडियम के चारों ओर चक्कर काट रहे हो। इस स्टेडियम में एंट्री उसे मिलेगी जो पीटी पास करता है, यानी बैट उसके हाथ में आएगा जो पीटी पास करके स्टेडियम में एंट्री लिया है, तभी वो चौका मारेगा, छक्का मारेगा, आउट हो जाएगा, दो नंबर लेगा, तो ये उस पर डिपेंड करेगा उसके बाद। यानी पीटी जो है आपकी एंट्री का जरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपनी योग्यता को, आप अपनी क्षमता को कैसे दिखाओगे जब तक आप पीटी पास नहीं करोगे कि आप में कितनी क्षमता है आईएएस बनने की, आपके अंदर कितना ज्ञान भरा पड़ा है, आप उस ज्ञान को कितने अच्छे से अभिव्यक्त कर पाते हो अपनी लेखन शैली के माध्यम से। ये मौका आपको कब मिलेगा, जब आप पीटी पास करके एंट्री ले लोगे। तो पीटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है इस पूरी प्रिपरेशन का। भले ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है, आपकी जो फाइनल रैंक आती है, उसमें पीटी का कोई मतलब नहीं होता, उसमें पीटी के कोई नंबर नहीं जुड़ते। मान लीजिए मेरिट गई 87 पे, और यदि आपके 87.1 नंबर भी है ना, और किसी व्यक्ति के 115 नंबर भी है जीएस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल है। इसका भी पीटी पास हुआ है, इसका भी पीटी पास हुआ है। तो मेरी बात समझी, समझ में आई? यानी पीटी पे बहुत ही बेहतर तरीके से फोकस करके बहुत स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना होगा हमको। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों। सेकंड, जैसे ही आपका पीटी पास होता है तो आप पहुंचते हो मेंस में। मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से डील नहीं करना होता है, आपको लिखना पड़ेगा हर विषय के ऊपर। अब यहां पर दो चीजें होती है, क्या बोल रहे हो वेदिका? बस पास मार्किंग बहुत है, बिल्कुल सही बात है, पास मार्किंग बहुत है। यदि बिल्कुल आप बॉर्डर पे भी पास हो रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पीटी पास हो लिखोगे मेंस। अब मेंस में एक बात आती है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास अथाह नॉलेज है, मतलब गजब का ज्ञान है, लेकिन उनको लिखना नहीं आता बढ़िया तरीके से। वो अपने भावनाओं को, अपने ज्ञान को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो उनका पूरा ज्ञान व्यर्थ है। अब एग्जामिनर तो आपको प्रत्यक्षता नहीं जानता है ना कि भाई फलाने बच्चे में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि मतलब दुनिया चेंज कर दे, वो तो नहीं जानता आपको। वो तो आपको कॉपी के माध्यम से जानेगा, आपने क्वेश्चंस को किस तरीके से समझा, किस तरीके से डील किया, भूमिका कैसे लिखी, मेन बॉडी कैसे लिखी, निष्कर्ष कैसे लिखा, आपने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं क्या, आपने कुछ फैक्ट रखे हैं क्या, आपने कुछ वादों का जिक्र किया है, कुछ आर्टिकल का जिक्र किया है, कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र किया है, कोई मैप वैप बनाया है, यानी आपने कितने बेहतर तरीके से अपने ज्ञान को उकेर दिया है पन्ने पे। वो एग्जामिनर तो आपको इस आधार पे जांचेगा, और जांचना भी चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे तो जानता नहीं है भैया आपका मामा है कि आपका फूफा है, बढ़िया तरीके से जानता और नंबर दे देगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मेंस में आपको अपने ज्ञान वर्धन के साथ साथ लेखन शैली के विकास पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से ध्यान देना है, और केवल लेखन शैली के विकास पे ही नहीं ध्यान देना है, बल्कि लिखने की एक स्पीड को भी मेंटेन करना है। याद रखिएगा 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको मुश्किल से 7 से 8 मिनट का टाइम मिलता है। 7 से 8 मिनट क्या होते हैं? आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, क्वेश्चन का फ्रेम भी सोचना है, भूमिका भी सोचनी है, मेन बॉडी भी लिखनी है, निष्कर्ष भी लिखना है, 6 से 7 मिनट में। ये जितना आसान आपको अभी सुनने में लग रहा है ना, उतना आसान होता नहीं है। एग्जाम हॉल का प्रेशर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जब तक हर एक टॉपिक से रिलेटेड, जब तक 10-10, 15-15 पॉइंट याद नहीं होंगे ना दिमाग में, तब तक आप ये नहीं कर पाओगे। वहां पे बैठने के लिए सोचने का समय नहीं होता कि पेन रखा, आंख बंद की, अच्छा भाई चलो अब सोचते हैं, इसी में 3 मिनट निकल गए, लिखोगे क्या, कैसे बनोगे आईएएस? तो याद रखिएगा ज्ञान वर्धन के साथ लेखन शैली और स्पीड से लिखने की कला, ये आपको विकसित करनी होगी।
और यदि किसी बच्चे को लग रहा है कि हमको तो लिखना ही नहीं आता है, तो वो उनको लग रहा है जिन्होंने आज तक लिखने का प्रयास ही नहीं किया है। क्या गलत बोल रही हूँ क्या? मुझे एक बार बताओ कि कितने बच्चों ने लिखने का प्रयास किया है बेहतर तरीके से आंसर को, और एक दिन नहीं, ठीक है एक दिन लिख लिया होगा, दो दिन कंटिन्यू 15 दिन कितने बच्चों ने लिखा है, मुझे ये बताओ। हाथ हाथ खड़ा करो भाई, फटाफट बताओ 15 दिन कितने बच्चों ने लिखा है, जूझे हो लिखने के लिए। बहुत बढ़िया गौरव, हाँ आपको मैं जानती हूं, आपने आंसर्स भी लिख के भेजे थे, आपने पक्का लिखा है। याद रखना, कोई भी डर जो है ना, आपके जीवन का कोई भी डर, वो तब तक होता है जब तक आप उस पर काम नहीं करते हो। आपको लिखने से डर लगता है, आप कंटिन्यूटी यदि मेंटेन करोगे, अभी जब हमारा कल से जो बैच शुरू हो रहा है उसमें मैं डेली लिखवाऊंगी, टेलीग्राम एक चैनल बनेगा डेडिकेटेड तरीके से, डेली आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और डेली उसमें आंसर लिख के आपको भेजना ही भेजना होगा। और मैं 1 घंटा, ज्यादा तो समय नहीं है, 1 घंटा ये देखने के लिए दूंगी कौन कौन बच्चा लिख के भेज रहा है और किसका क्या प्रोग्रेस है। और जो बच्चा नहीं लिख के भेजेगा फिर क्या कर सकते हैं उसको, और जो कंटिन्यू लिख के भेजेगा उसमें से 10-20 बच्चों को छांटा जाएगा। ये मैं आपको कल ऐप पे डिस्क्लोज करूंगी हमारा प्लान को, क्योंकि मेरा उद्देश्य है अगले 1 से 2 साल के अंदर 10 से 15 सिलेक्शन देना, और आप दे सकते हो, लेकिन मेहनत करने वाले बच्चे चाहिए, जो बिल्कुल जुझारू तरीके से मेहनत करे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ फालतू की बातों में उलझे, पढ़ाई पे फोकस होके 1-2 साल दे दें। तो याद रखिएगा, डर तब तक होता है जब तक आप उसको ना डील नहीं करते। जब आप लिखना शुरू कर दोगे ना, 20 दिन 30 दिन, कैसा डर अपने आप खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक समस्या और आती है, आप लोगों ने उस समस्या को फील किया होगा। मान लीजिए अब मैं आपको कहूं कि आपको सोसाइटी का एक क्वेश्चन लिखना है और दे दूं, अब आप कह रहे हो कि क्या लिखेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, जब तक आपको उस टॉपिक की समझ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको प्रस्तावना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दूं और आपको ये पता ही नहीं है कि प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना के बेसिक प्रावधान क्या है, प्रस्तावना में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तब तक आप उसका आंसर कैसे लिख पाओगे, बुझे कि नहीं बुझे। यानी लिखने के लिए ज्ञान का होना तो जरूरी है, उसके बाद ही ना कुछ लिखोगे। तो इसीलिए जो टॉपिक साथ साथ पढ़ रहे हो, जैसे हम कल से शुरू करेंगे, सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना को पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा चुकी हूं, अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि कैसे सोचना होता है। कम से कम प्रस्तावना में 6 से 7 क्वेश्चन कराऊंगी, उससे बाहर क्वेश्चन मेंस में जाएगा ही नहीं, क्योंकि बन ही नहीं सकता। प्रस्तावना में उससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, हम हर एंगल को कवर कर लेंगे। तो आपको पहले टॉपिक का ज्ञान लेना होता है कि हाँ भाई ये बातें हैं, ये क्रम है, ये वाद है, अब मैं आंसर लिखने में सक्षम हूं, उसके बाद आप आंसर लिखोगे। तो इसलिए यदि ऐसी इनसिक्योरिटी बिल्कुल नए बच्चों में आ रही है कि लिखें कैसे, तो बच्चों आपकी इनसिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको अभी ज्ञान नहीं है टॉपिक का, ठीक है। जैसे ही आपको ज्ञान हो जाएगा और आप चाहोगे, आपको लिखना है, तो फिर आप लिख पाओगे, ठीक है। तो दूसरा फेज आपने क्लियर कर लिया, बहुत बढ़िया लिख के, है ना, बहुत बढ़िया तैयारी करके। अब आते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपके ऑल ओवर व्यक्तित्व की जांच की जाती है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कितने कॉन्फिडेंट है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप किसी मुद्दे पे रिजिड तो नहीं है, दकियानूसी सोच तो नहीं है, आपकी छोटी सोच तो नहीं है महिलाओं के बारे में, किसी जाति विशेष के बारे में, किसी धर्म विशेष के बारे में। इन सारी चीजों का परीक्षण होता है आपके साक्षात्कार में। यूं तो साक्षात्कार 30 से 40 मिनट का होता है, जब बोर्ड मेंबर बैठे हुए होते हैं आपके सामने और आप अकेले बैठे हुए होते हैं, वो आपको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके बोलने के, आपके अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की कला को। कई बच्चे बेचारे बोल ही नहीं पाते, इसलिए जब आप साक्षात्कार की तैयारी करते हो ना, एक ग्रुप बनाया करो, अभी से डिस्कशन किया करो। जैसे आपने कोई मुद्दा पढ़ा, मैं आपको क्यों बोलती हूँ, मेरी बातों को ना हल्के में मत लिया करो। मैं क्यों बोलती हूँ कि जब आप मेरे से कोई टॉपिक पढ़ा तो किसी को सुना दो उस टॉपिक को। जब आप उस टॉपिक को किसी को सुना दोगे तो वो टॉपिक आपका अपना हो जाएगा। दूसरी बात, आपको अभिव्यक्त करने की कला आप में आ जाएगी।
जब आप दूसरे व्यक्ति को सुना रहे हो तो उसको बताना कैसे है, धीरे धीरे, कई बच्चे बोल नहीं पाते हैं और कईयों की तो अलग ही प्रॉब्लम होती है। जैसे ही लड़की को देखेंगे आवाज ही नहीं निकलेगी इनकी, ये कांपने लग जाते हैं। भाई साहब जो है ना, या कई लड़कियां ऐसी होती हैं, भाई साहब और बहन जियां ऐसे स्कूल से आई हैं जो, या तो फिर लड़कों लड़कों का स्कूल था या लड़की लड़कियों का स्कूल था, इन्होंने दूसरे जेंडर से बात ही नहीं किया आज तक। और ये सच्चाई है, इस बात को अन्यथा मत लेना, ये सच्चाई होती है कई बच्चों की। इन्होंने दूसरे जेंडर से बात ही नहीं की होती और जैसे ही बात करते हैं हाय इनका, इनकी हालत खराब होती है, बोले तो कैसे बोले, इनके हाथ कांप रहे होते हैं। इन सब कमियों को दूर करना होगा क्रमबद्ध तरीके से। आईएएस बनने वाले हो आपको, आप जब फील्ड में जाओगे तो आप केवल पुरुषों में काम नहीं करोगे, या लड़कियां जो होंगी केवल महिलाओं में काम नहीं करेंगी, आपको पूरी सोसाइटी में काम करना होगा, वहां पुरुष भी होंगे महिलाएं भी होंगी। तो अपने आप को सहज बनाओ। कईयों का जो ना बीपी बढ़ जाता है, मतलब अलग, आप उम्र के उस दौर में हैं, उस पड़ाव में हैं जहां इन बातों का होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इस डर से निकलो, थोड़ा खुलो, किसी से भी बात करो तो कॉन्फिडेंस से बात करो। कई बच्चे जब बात करते हैं आई कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाते, आंख से आंख मिला के बात ही नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। वो कैसे आएगा, वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो इन सब विषयों के ऊपर भी आपको काम करना होगा यदि आपकी ऑल ओवर आपको अपनी पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। और ये आपको, कई बच्चों को लग रहा होगा ये कोई समस्या होती है क्या, अरे कई बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या होती है। हार्ट बीट तेज हो जाती है उनकी, अच्छा। और कई तो ऐसे होते हैं, लड़की ने बात की चार दिन सोएंगे नहीं, बाप रे बाप, आज तो जो है धन्य हो गए हम। और कई मजनू टाइप के मिलेंगे कि किसी ने बात कर ली तो चार दिन ऐसे गए, और फिर जो है अगले दो महीने ऐसे गए कि बस एक बार दिख जाए, बस एक बार दिन बन जाएगा मेरा, और खड़े रहेंगे टाइम देख, ऐसे ही जीवन व्यस्त क्या हो जाएगा, देख ली तो। इन सब चीजों से बाहर निकलो, अपना एक गोल जो सेट किया है ना, उस गोल को बीच में शिफ्ट मत करो। हाँ ये बात सही हो सकती है कि आपका आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आप दोनों मिलके पढ़ रहे हो सेम गोल के साथ, लेकिन यदि कोई आपको भयंकर तरीके से इग्नोर कर रहा है तो उसके चेप चेप मत हो। और यदि चेप हो रहे हो तो फिर आपकी रीढ़ की हड्डी कायम, भाई अपना स्वाभिमान जगाओ। कोई आपको इग्नोर कर रहा है, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो पढ़ाई करो, मजनुओं की तरह मत घूमो। कई बच्चे रिलेट करेंगे इस चीज, सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ भाइयों बहनों, सही बताना। तो आपको इन सब चीजों से निकलना होगा, और जो भी व्यवधान आपकी पढ़ाई में है, यदि कोई स्टूडेंट रिलेशनशिप में भी है और उसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, कर रही है, थोड़े दिन के लिए बोलो भाई साहब, मतलब भाई साहब नहीं, मतलब आप अपना पढ़ाई करो भाई, जो कर रहे हो हमको अपना पढ़ने दो, अपने फोकस रहो अपने उद्देश्य के पीछे, 100% फोकस रहोगे तभी जाके सफलता मिलेगी। पीटी में मैंने आपको बताया कि दो पेपर होते हैं, एक वर्तमान में जो जीएस का पेपर होता है, एक सी सेट का पेपर होता है। जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये 200 नंबर का होता है, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। आपको 2 घंटे मिलेंगे ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन होएगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, एक छाटना होगा। और ऐसे ही सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रख लेना, ये भी 200 मार्क्स का होता है, और ये केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी जो आपकी पीटी की मेरिट बनेगी ना उसमें सी सेट के पेपर नहीं जुड़ेंगे, सी सेट के नंबर नहीं जुड़ेंगे, केवल जीएस के आपके मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। यानी जो आपकी पीटी की मेरिट बनती है, आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, वो इसके नंबरों पे होता है, ये केवल आपको पास करना होता है। लेकिन ये पास करना अभी बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। वो कैसे सोल्व होगा, जब आप पढ़ रहे हो ना, अपनी पढ़ाने की स्पीड को भी बढ़ाओ। जैसे आप एक पन्ने को पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी, आप ये मत सोचो सी सेट की अलग से तैयारी होती है, आप मान लो पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसके एक पेज को आपने पढ़ने में कितना समय लिया और कितना समझ गए। कई बच्चे एक पेज को लेके बैठे रहते हैं 20-20 मिनट, और एक बच्चा जो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ता है वो उस पेज को 10 मिनट में, 5 मिनट में सारे एरिया को कवर करते हुए, समझते हुए पढ़ लेता है। ये एकदम से नहीं आएगा,
अब कई बच्चे बैठेंगे पढ़ने के लिए, आप रिलेट करोगे, आप बैठे हो पढ़ने के लिए, लेकिन आप सोचते हो अच्छा लाल बत्ती होगी, अब ये रिश्तेदार आएगा, फिर ऐसे नौकरों को देखेगा तो हैरान रह जाएगा, मेरा रुतबा होगा। बढ़िया है ये सोचना, लेकिन सारा दिन नहीं सोचना है, पागल हो जाओगे, दिमाग की नसें वसें हिल जाएंगी थोड़ी बहुत, फिर दुर्घटना हो गई तो फिर रोते रहना। सारा दिन नहीं सोचना है, एक समय लो सोचने के लिए, ये सही बता दी। डेली दिन का 15 मिनट फिक्स कर दो कि 15 मिनट मुझे मुंगेरी लाल के हसीन सपने मतलब मुझे बस सोचना है, वो भी आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सारा दिन नहीं सोचना है। 10-15 मिनट जैसे फोन देखने के लिए फिक्स करते हो, वैसे ही सोचने के लिए फिक्स कर दो, सारा दिन सोचने के झंझट से मुक्त हो जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जब पीटी क्वालिफाई होगा, दोस्तों मैं मेंस बता चुकी हूं आपको, मेंस में हमें कैसे लिखना है, मेंस के 3 पार्ट होते हैं। ये चीजें ना मुझे पता है यार, मैं उस फेज से गुजरी हूं, मैं भी स्टूडेंट रही हूं, तो मुझे पता है। और इन सब चीजों से आप इसलिए रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि ये हर स्टूडेंट की समस्या होती है। किसी को बताने वाला मिल जाता है कि हाँ भाई आप ऐसे ऐसे करो, किसी को बताने वाला नहीं मिलता है, एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है, तो फिर उनके लिए दिक्कत होती है। अब दोस्तों मेंस की जब मैं बात करूं तो आपको पता है जीएस के 4 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। इनका सिलेबस मैं अलग अलग बता चुकी हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 का डिटेल्ड सिलेबस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, पेपर 3 और पेपर 4 का डिटेल्ड सिलेबस मैं जल्दी ही आपको कवर करा दूंगी, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शनल का पेपर होता है 500 नंबर, यानी 2 पेपर होंगे इसका, पेपर 1 पेपर 2, एक ऑप्शनल का 250 नंबर पहला और 250 नंबर दूसरा। यहां पे आज हम बात करेंगे अभी अगले 5 मिनट तक ऑप्शनल के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है ऑप्शनल क्या लें, कई बच्चे अभी हंसेंगे क्योंकि पिछले 3-4 दिन से लगभग 15 से 20 बच्चों का मेरे पास फोन आया है, जिसमें से कई बच्चे ये कहे मैम आप बता दो क्या ऑप्शनल रखें। अरे मैम कैसे, मैं कैसे बता दूं क्या ऑप्शनल रखो, मुझे नहीं पता ना आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको पढ़ने में क्या अच्छा लगता है, आप समझते किस विषय को बेहतर तरीके से। मैं बता दूं कि रख लो क्या क्या एंथ्रोपोलॉजी, अब आपको एंथ्रोपोलॉजी का कुछ समझ ही नहीं है, कैसे पढ़ोगे। तो ऑप्शनल को चूज करने में, विशेषकर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूं, समय दो। आपने शुभम कुमार जो टॉपर थे 2020 के, उनका इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने क्या कहा कि मैंने ऑप्शनल को चूज करने में कम से कम 40 दिन का समय दिया था, 30 से 40 दिन का। समझ रहे हो आप, 30 से 40 दिन का समय देना ऑप्शनल को चूज करने में, टॉप कर गया बंदा ऐसे ही नहीं हवा में, अच्छा मेरे दोस्त ने ये फलाना ऑप्शनल लिया है तो हम भी इसी पे, चल भाई यारी यारा तेरी यारी, क्या कौन सा गाना है जो भी है, तो ऐसे में ऑप्शनल नहीं चूज करना है कि फलाना व्यक्ति इस ऑप्शनल को लेकर टॉप कर गया मैं भी ये ऑप्शनल रखूंगा। ऑप्शनल को चूज करने में समय देना है आपको, उसका तरीका क्या होगा। आपने मान लो अपने 3 से 4 चूज कर लिए फाइनली कि भाई मैं हिस्ट्री लूंगा, हिंदी लिटरेचर लूंगा, मैं सोशियोलॉजी लूंगा या मैं एंथ्रोपोलॉजी लूंगा, इन चारों में फिर एक एक पे प्रोज एंड कॉन्स पूरी लिस्ट बनाइए, मेहनत कीजिए, सब कुछ पका पकाया आप लोगों को आजकल मिल जाता है यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको लगता है कि हम क्या मेहनत करें, टीचर करेगा मेहनत। ये प्रवृत्ति दूर भगाइए भाई, आलस्य को अपने जीवन से थोड़ा दूर करो, थोड़ा जूझो, थोड़ा पेन कॉपी लेके बैठो, हर एक विषय के प्रोज एंड कॉन्स लिखो, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप पिछले सालों में आए हुए नंबरों के माध्यम से देख सकते हो कि हिंदी माध्यम में कौन सा विषय अच्छा कर रहा है, अच्छा ये 2-3 विषय अच्छे कर रहे हैं तो इनमें से किस विषय में मेरी ज्यादा रुचि है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिंदी लिटरेचर बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ता, लेकिन हिंदी लिटरेचर में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है हिंदी माध्यम का। देखो हमको ना भाई, मेरे को ऐसी स्वार्थी बातें ना तो करना आता है, हिंदी लिटरेचर यदि आप लोगों का बेहतर आप कर सकते हो तो हिंदी लिटरेचर आपका बहुत बढ़िया विकल्प हो सकता है। 2021 का यदि आप रिजल्ट देखो, हिंदी माध्यम में 2 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा बूम किए हैं, एक है हिंदी लिटरेचर और एक है हिस्ट्री।
और तीसरा है पॉलिटिकल साइंस। ये तीन विषय हैं जिसमें आपको सिलेक्शन दिखेंगे हिंदी माध्यम में। ठीक है, तो हिंदी माध्यम में आप सोशियोलॉजी भी ले सकते हो स्वाति, बिल्कुल सही बात है, वो आपको चूज करना है यार। या बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल हो सकते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से डील कर सके, आप सिलेक्शन ले ले। लेकिन मैं बात कर रही हूँ रिकॉर्ड की, भाई हम एक डेटा बेस पे बात कर रहे हैं कि भाई ये डेटा है यूपीएससी का जो इस बार का सिलेक्शन है, हिंदी हिंदी लिटरेचर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस हिंदी माध्यम का रिजल्ट। अब आप बैठो, आप किसको बेहतर तरीके से डील कर सकते हो? याद रखना दोस्तों, ऑप्शनल को बहुत ही, यदि आपको सच में फाइनल सिलेक्शन लेना है ना, तो ऑप्शनल का चयन करने में समय दो, ऑप्शनल को सोच समझ के लो, किसी के कहने के अनुसार मत लो। कई बच्चे मेरे को बोलते हैं, मैम हिस्ट्री रख ले आप, हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाने वाली हैं। तो भाई मैं अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए आपका भविष्य थोड़ी ना बिगाड़ दूंगी। वैसे भी मैंने फीस बहुत ज्यादा नहीं रखी है, मान लो उतनी फीस के लिए मैं आपका पूरा भविष्य बिगाड़ दूं, मेरे से ये नहीं आता। अब आपको हिस्ट्री बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ता, आप जीएस की हिस्ट्री मुश्किल से कवर कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल ही हिस्ट्री नहीं लेनी चाहिए जिनको पल्ले ही नहीं पड़ती। हाँ, जिनका रुझान है, जिनको समझ में आती हैं चीजें, जो लिखना मतलब जो ये सोच सकते हैं कि हाँ मैं हिस्ट्री को आगे अच्छे से कर लूंगा या कर लूंगी, वो बिल्कुल हिस्ट्री को रखें। बहुत अच्छा ऑप्शनल है हिंदी माध्यम के लिए भी, स्कोरिंग है और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती हिस्ट्री में कि भाई इस साल सिलेक्शन हुए इस साल नहीं हुए, ऐसी कोई फ्लक्चुएशन हिस्ट्री में नहीं होती। हिस्ट्री बहुत अच्छा विकल्प वैकल्पिक विषय है। यदि आप समझ सकते हैं उसका तरीका क्या होगा, एनसीईआरटी पढ़ के देख लो, यदि आपको समझ में आ रही है चीजें, किसी कोई लेक्चर सुन के देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शनल के अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शनल को चूज करने में आपको समय देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एस्से की। एस्से के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करना होगा आप लोगों को। आप लोगों ने यदि शुभम सिंह, शुभम कुमार का इंटरव्यू देखा होगा, तो उन्होंने एस्से के लिए बताया था बकायदा योजना, कुरुक्षेत्र, फिर पूरी भूमिका, निष्कर्ष, कोटेशंस, पूरी एक प्रिपरेशन करनी होती है एस्से की। मैं एक बैच लेके आऊंगी, 15 से 20 दिन क्लासेस लूंगी। याद रखिएगा एस्से के ऊपर ना आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत कब करनी पड़ेगी, जब आपका पूरा सिलेबस एक बार मोटा मोटा कंप्लीट हो जाएगा ना, आपका फर्स्ट पेपर भी कंप्लीट हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, उसके बाद ऐसे आप लोगों के लिए टफ नहीं रहेगा। क्यों टफ नहीं रहेगा? क्योंकि आपको पॉलिटिकल टर्म्स भी पता है, हिस्टोरिकल ज्ञान भी है थोड़ा बहुत, सोसाइटी का ज्ञान भी है, सोशल इशू का ज्ञान भी है, गवर्नेंस का ज्ञान भी है, इकोनॉमी का ज्ञान भी है, आपदा प्रबंधन का ज्ञान है, इंटरनल सिक्योरिटी का ज्ञान है, एथिक्स का ज्ञान है। तो इस पूरे ज्ञान को जोड़ तोड़ के आप यदि ऐसे लिखने बैठोगे तो बहुत बेहतर ऐसे लिखोगे आप। अब कई बच्चे सोचते हैं ना, हम तो सबसे पहले ऐसे पढ़ेंगे। अरे कैसे पढ़ लोगे ऐसे? कोई रटना है क्या कि स्कूल का ऐसे है कि गाय के ऊपर ऐसे आ गया, या माई बेस्ट फ्रेंड फलाना इज माई बेस्ट फ्रेंड, हिज फादर इज अ डॉक्टर, हिज मदर इज अ टीचर, ये बचपन से याद करते आ रहे हो ऐसे ऐसे, ऐसा ऐसे नहीं लिखना है। तो यदि आप ये सोचते हो कि मेरे को तो तैयारी की शुरुआत ही ऐसे से करनी है, तो फिर गलत सोच रहे हो। ऐसे आपके पूरे ज्ञान का समिश्रण है। यदि आपका पूरा ज्ञान कहाँ से आएगा? जब आपका पूरा सिलेबस एक बार कवर हो जाता है, या कम से कम 50% सिलेबस कवर हो जाता है, उसके बाद आप सोचने समझने लगते हो, हाँ हम ये पॉइंट्स डालेंगे, हम इस तरीके से फ्लो में लिखेंगे ऐसे को, हम इस तरीके से क्रमबद्धता मेंटेन करेंगे, हम अपने ऐसे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, क्षेत्रिक, वैश्विक, इन सारे एंगल्स को शामिल करेंगे, तब जाके हमारा ऐसे एक बढ़िया डायमेंशन वाला ऐसे बनेगा। तो ये डायमेंशन आप कब यूज कर सकते हो? ये डायमेंशन आप तब यूज कर सकते हो जब आपको मोटा मोटा ज्ञान हो गया हो अपने सिलेबस का, और मोटा मोटा आपने पढ़ लिया हो चीजों को, तब जाके आप ऐसे सीखोगे, लिख पाओगे। तो ऐसे के ऊपर आपको फोकस करना है। मैं जो ऐसे आप लोगों को कराऊंगी, मेरे कराने का तरीका रहेगा पिछले एक साल की योजना, पिछले एक साल की कुरुक्षेत्र, ऐसे की आपको कम से कम 15 से 20 ऐसे अवेलेबल कराना जो
जिसमें बकायदा बेहतर भूमिका हो, बेहतर निष्कर्ष हो, बेहतर मेन बॉडी हो, ताकि वो आप लोगों के लिए एक आइडल का काम कर सके। आप जब ऐसे लिखो तो उनके अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख सकते हो। आप लोगों से ऐसे की प्रैक्टिस कराना, भूमिकाओं अलग अलग टॉपिक देके आप लोगों से भूमिका लिखवाई जाएंगी कि भाई लिखो, तो ये एक पैटर्न एक चलेगी अपना। बीच में आएगा कोर्स 15-20 दिन का, इसमें आपको एक साल की पूरी योजना और पूरी कुरुक्षेत्र मैं कंप्लीट कराऊंगी। कुछ नहीं होता यार, आप जो योजना कुरुक्षेत्र को लेके बैठे रहते हो ना एक एक महीना, और यदि किसी को अपने आप पढ़ना है तो एक सूत्र बताती हूँ, कभी योजना को ना ऐसे मत रखा करो आ गई पड़ी हुई है, धूल जमी पड़ी है, अब योजना एकदम वो होता ना चिल्ला रही है अंदर ही अंदर, कोई पढ़ लो हमको, लेके आए थे 20 रुपए में, कोई धूल झाड़ दो। तो ऐसे नहीं करना है, योजना लाए हो बैठो, 6 घंटे का काम होता है योजना का, फुल पढ़ने से लेके नोट्स बनाने तक। आप योजना को जब पढ़ते हो साथ साथ उसके कुछ नोट्स बना लो और उस योजना को रख दो, और नोट्स को रख दो एक पैकेट आते हैं प्लास्टिक के कि हाँ भाई ये योजना का ये है इसका सार। अब आपको जब पढ़ना होगा ये सार ही पढ़ना होगा, यदि डिटेल में देखना है तो योजना भी आपके पास रखी है। ये काम करके रखते जाओ, और जो सेम टॉपिक वाली योजनाएं आती है ना, जैसे मान लो महिला सशक्तिकरण के ऊपर 3 योजनाएं आ गई, तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर तीनों योजनाओं के नोट्स को कंबाइंड कर लो और आगे वाले पेज पे लिख दो महिला सशक्तिकरण योजना, ताकि आपको अलग अलग ना उठाना पड़े, कष्ट करना पड़ेगा ना बालक, ऐसे बैठने से तो नहीं मिलेगा कि बैठे हैं अपना आराम से। और कई बच्चे तो ऐसे होंगे कि दो दोस्त बैठे हैं, एक के नाक के ऊपर बैठ गई मक्खी, वो बोल रहा है यार उड़ा दे यार मक्खी, यार तू उड़ा ले। अब मक्खी भी यदि दूसरे से उड़वाने की आपकी प्रवृत्ति है तो फिर कैसे होगा? इतना बड़ा पद प्राप्त करने जा रहे हो, जिंदगी चेंज हो जाती है जब आईएएस बनते हो, लोगों को आपको देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। और जब इतने बड़े पद के लिए जा रहे हो ना, तो थोड़ा जुझारू तरीके से मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? तो अब आलस्य से थोड़ा ऊपर निकल, थोड़ा सा ये नहीं कि पका पकाया मिल रहा है अब चम्मच में ओले ओले खा ले बेटा, अब बड़े हो गए हो, अब बच्चे नहीं रहे हो, ठीक है? तो दूसरों के खिलाने से नहीं होगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद परिश्रम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जनरल स्टडीज हमारा 750 नंबर का होता है, जिसमें सॉरी पूरा मेन्स हमारा 750 नंबर का होता है, जिसमें आपका 1000 का जीएस होगा, 4 पेपर, 250, 250, 250, 250, ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे 500 नंबर के, और आपका ऐसे होगा 250 नंबर का, यानी आपका टोटल मेंस हो गया जो आपको लिखना होगा 750 नंबर का। और जो आपकी रैंक बनेगी ना, उसमें ये मेंस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और इस मेंस में भी आपको आपका ऑप्शनल ऐसे एथिक्स बहुत आगे लेके जाएगा। और साथ ही यदि आप करंट से रिलेट करके स्टैटिक को पढ़ते हो तो आप सेकंड पेपर बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं अभी कल से शुरू कराने जा रही हूँ सेकंड पेपर, बकायदा केवल स्टैटिक नहीं, आपको स्टैटिक को करंट से रिलेट करना होगा, आपको लिखने का अभ्यास करना होगा, है ना? तो वो सारी चीजें, आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझना होगा। अब कई बच्चे पढ़ के गए 1857 की क्रांति, ठीक, उसमें पूछा है कोई और क्वेश्चन, बस 1857 का जिक्र कर दिया। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जाम्पल कि भाई जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, जैसे मान लो जो क्रांतिकारी आंदोलन 1857 की क्रांति से कैसे भिन्न है, मान लो एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही क्रिएट किया। अब बच्चे ने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, दिख गया 1857, बाप रे बाप यही तो चाहते थे, 1857 पे क्वेश्चन आए और आ गया, इस बार तो आईएएस बन गए, और लिखना शुरू कर दिया 1857 की क्रांति की शुरुआत इसलिए हुई, ये कारण थे, ये इसका घटनाक्रम चला, ये इसके परिणाम हुए, और फाइनली, और लिख के एकदम बढ़िया लिखा 15 मिनट में। अरे भाई साहब क्वेश्चन तो समझ लो, क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं 1857 के ऊपर, क्वेश्चन तो दूसरा था। ये होता है, ये तब होता है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब हम क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ पाते, ठीक है? तो ये आपको सेगमेंट समझ में आया, यानी पीटी पास करने के बाद जब हम मेंस में जाएंगे तो फिर हमको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। और इसमें मैंने आप लोगों को विशेष तौर पे बताया है, जो बच्चे अभी जो बच्चे अपना मेंस पढ़ चुके हैं उनको अब चेंज करने की जरूरत नहीं है,
और यदि उनके पास भी स्पेस है और उनको लग रहा है कि मैं इस ऑप्शनल में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो लोग भी विचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मान लो जिसका एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है और उसने मेंस पढ़ लिया और उसको अब ये लग रहा है, या एक अटेम्प्ट हो गया है, नंबर नहीं आए, उसको ये लग रहा है कि भाई इस मेंस के साथ मेरी नैया पार नहीं लगेगी, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपना मेंस, वो अपना ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शनल को चूज करने में बहुत समय दोगे कि नहीं दोगे, भाई और बहनों थम्स अप दे दो फटाफट इसी बात। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूं, इंटरव्यू में हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे 2021 में हम हिंदी माध्यम के छात्रों का शानदार प्रदर्शन रहा है, ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकता है, ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकता है, जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है, कि जब ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और भी लगभग 25 रिजल्ट इस बार देखा है, लगभग 25 रिजल्ट के आसपास आपको हिंदी माध्यम में देखने को मिलेंगे। तो जब ये कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ये भी हमारे जैसे इंसान है, हमारे जैसे हार्ड मास के प्राणी है, लेकिन इन्होंने मेहनत की है यार, इन्होंने सही दिशा में मेहनत की है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेहनत की है, गिरे हैं उठे हैं फिर चले हैं, गिरे हैं उठे हैं फिर चले हैं। यूजुअली लोगों का सिलेक्शन हो जाता है ना, आराम से इंजॉय करने में जिंदगी बिताते हैं वो एक एक होते ना, 1000 लोगों में श्रेष्ठ आदमी हो जाते हैं, उनको वही जीवन की उपलब्धि लगती है। लेकिन आप चाहे रवि कुमार सिहाग का एग्जाम्पल देख लें या सुनील कुमार धनवंता का, इन्होंने 3-3 अटेम्प्ट दिए, 3-3 मतलब तीसरी बार जाके ये IAS बने, 3 बार सफल हुए हैं UPSC में। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप सफल होने के बाद भी उसी जिजीविषा के साथ आगे लगते रहे। यहाँ तो असफल लोग मेहनत नहीं करते, बुझे कि नहीं बुझे। तो इसलिए ऑप्शनल को बहुत अच्छे से चुनना, और इस बार के लिए आपको मोटिवेशन, आप देखोगे कि 2016 तक फिर भी ठीक ठाक रिजल्ट था, 2017 से लेके और 2021 तक बिल्कुल सूखा पड़ा था, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था हिंदी माध्यम में। रिजल्ट भी दिख रहा था तो टॉपर है 200वीं रैंक वाला, टॉपर है 300वीं रैंक वाला। तो एक मोटिवेशन वहां पे ऑटोमेटिकली हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स का डाउन हो जाता है। और आप यदि हिंदी माध्यम के रिजल्ट को इस बार देखोगे तो आपको बहुत ही और मोटिवेशन के साथ पढ़ना चाहिए, और बढ़िया तरीके से और मेहनत करनी चाहिए कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और जब आप मार्क्स देखोगे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, एक दो वीडियो में लेके भी आई हूं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे में रवि कुमार सिहाग के जो टॉपर है श्रुति शर्मा, उनसे ज्यादा नंबर है ऐसे में। ठीक है, तो अपना वैकल्पिक विषय ऐसे, तो इस तरीके से देख। अब बात करते हैं ललिता दहिया अकेडमी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा। और किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो भाई कंप्लीट सिलेबस की तैयारी, यानी सिलेबस के हर बिंदु की तैयारी। ये नहीं है कि आपको जो है आधा सिलेबस करवा दिया और टाटा बाय बाय, ना, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा दोस्तों कि पूरे सिलेबस को करंट से ऐड करना, यानी स्टैटिक पोर्शन तो मैं करवाऊंगी ही आपको, उस स्टैटिक पोर्शन को करंट से ऐड कराऊंगी, कम से कम 1 साल का करंट हम लेके चलेंगे। जैसे जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगी तो 1 साल का पॉलिटी स्टैटिक से जोड़ के कैसे पढ़ना है ये पूरा कंप्लीट कराऊंगी। जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाऊंगी तो 1 साल का पूरा करंट IR से जोड़ते हुए, स्टैटिक पोर्शन से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। याद रखिएगा विशेषकर जो सेकंड पेपर है उसमें करंट का बहुत जबरदस्त रोल है, और थर्ड पेपर का इंटरनल सिक्योरिटी और आपदा प्रबंधन वाले पोर्शन में करंट का जबरदस्त रोल है। यदि आप करंट से स्टैटिक को लिंक करके नहीं पढ़े हो तो फिर आप बाबा आदम के जमाने के व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, क्वेश्चन तो करंट ओरिएंटेड मिलेंगे। और वो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आप तब कर पाएंगे जब आपको स्टैटिक पोर्शन की समझ होगी, जो स्थिर पोर्शन होता है, यानी जो सिलेबस के पॉइंट होते हैं, तभी तो आप करंट भी ऐड कर पाओगे। तो दोनों चीजें आपस में कोरिलेटेड होंगी, ठीक, यानी कंप्लीट सिलेबस करंट से ऐड करके बेसिक टू एडवांस लेवल, आपके बेसिक
से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन को लेके जाना है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछले 10 सालों में यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं, हम अपनी तैयारी की शुरुआत यहां से करें। ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन डील कर रहे हैं, मान लो प्रस्तावना से जो 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं, तो भाई यदि हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो एक बार बताना आपको कि ऐसे क्वेश्चन बनता है, और फिर आपको पढ़ाना पूरा टॉपिक, और फिर आपको 2-3 क्वेश्चन देने कि हाँ भाई ये आपको लिखने हैं, और फिर उसका मैं पैटर्न बताऊंगी कि हम चेक कैसे करेंगे उन क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे हम पीटी में करते हैं आईएएस सीडीएस सीएपीएफ ऑप्शनल के क्वेश्चन को करते हैं, वहीं से क्वेश्चन फंस जाते हैं पीटी में, तो याद रखना मेंस को हम तब समझ पाएंगे जब हम ही बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्लास पे क्लास किए जा रहे हैं, क्लास पे क्लास किए जा रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पढ़ लो प्रस्तावना, पढ़ लो संविधान का निर्माण, पढ़ लो इतिहास, पढ़ लो पॉलिटी, क्या समझ में आएगा आपको? आप अपने तैयारी का आकलन कैसे कर पाओगे? आपको सही पढ़ाया जा रहा है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है, कि बस हल्के फुल्के तरीके से पढ़ा के आपको संतुष्ट कर दिया जा रहा है कि हाँ बच्चे हो गया आपका पॉलिटी तैयार? इस चीज का आकलन आप तब कर पाओगे जब आप क्वेश्चंस को देखोगे कि क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला आधार होता है, और आप लोगों की सबसे बड़ी कमी यही है कि आप पिछले सालों के क्वेश्चन नहीं देखते, आप मार्केट में डूबे पड़े हो, मार्केट के नोट्स उठा उठा के, ये क्वेश्चन जी, ये फलाना क्वेश्चन, ये धमकाना क्वेश्चन, तो पिछले 10 सालों के यूपीएससी के क्वेश्चन और प्रश्न उत्तर के माध्यम से टॉपिक की तैयारी कराना। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, वहां पे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करा देना। साथ ही उत्तर लेखन पे मैं विशेष तौर पे बल दूंगी, क्योंकि मेंस जो होता है दोस्तों वो आंसर राइटिंग के आधार पे ही होता है। यदि आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझना आता है, क्वेश्चन को तोड़ना आता है, क्वेश्चन को लिखना, आंसर को लिखना आता है, और कुछ कुछ आंसर को आप विशेषीकृत बना सकते हो कुछ फैक्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, डेटा के माध्यम से, करंट को ऐड करके, रिपोर्ट्स को ऐड करके, वादों को ऐड करके, तो आप अपने आंसर को एनरिच कर पाते हो। तो ये पूरी कला आपको सिखाई जाएगी टॉपिक के साथ साथ। जैसे हम पॉलिटी कर रहे हैं, पॉलिटी हमारा 50 डेज का टारगेट है, वो 60 भी हो सकता है, 45 डेज में भी हो सकता है, 5-10 दिन में आगे पीछे लेके चलूंगी, ये नहीं है कि फिर मेरा वचन ही है शासन 50 दिन में खत्म तो खत्म, ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं भी इंसान हूं, 5-10 दिन आगे पीछे, ठीक। पीडीएफ नोट्स आपको हर एक टॉपिक के साथ साथ मिलते रहेंगे, यानी आपको अलग, ये जो कई बच्चे पूछते हैं मैम नोट्स कैसे हम लेंगे, तो पीडीएफ फॉर्म में आपको पूरी क्लास के नोट्स मिलेंगे। अब दूसरी बात सुन लो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोल रहे थे कि मैम पूरी फीस, इस आप YouTube पे भी देख सकते हो, कई बच्चों ने मैसेज किया मैम पूरी फीस एक साथ ही बता दो। यार ज्यादा पैसे हो रखे हैं क्या? टीचर को समय दो ना, परखो ना टीचर को, मतलब क्या है? मैं यदि आपको पॉलिटी बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगी तभी तो आप मेरे IR वाले पार्ट में भाग लोगे, जब मैं IR बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगी तभी तो सोशल जस्टिस में एडमिशन लोगे, तभी तो आप गवर्नेंस में एडमिशन लोगे, सोसाइटी में एडमिशन लोगे, हिस्ट्री में एडमिशन लोगे। परखो एडुकेटर को, उसको फीस दे के फुला मत दो एकदम से कि आधा चीज पढ़ाए आधा चीज छोड़ दे, आप भी खुश हम भी खुश। इसलिए थोड़ा धैर्य से, क्या हो गया, एक एक टॉपिक पढ़ो ना। और आप लोग भी यदि अपना शेड्यूल बनाओगे तो हम दो दो टॉपिक को एक साथ लेके चलेंगे। जैसे अभी हमारा जो टॉपिक होगा वो पॉलिटी से शुरू हो जाएगा, कल 5-7 दिन बाद मैं IR शुरू करा दूंगी, तो पॉलिटी 12 से 1:30 बजे तक, IR 4:30 से 6 बजे तक, दो पोर्शन ये हो गए आपके, पॉलिटी और IR पढ़ रहे हो। आपको फिर रिविजन भी करना है, आपको फिर कुछ और बेसिक मैं बताऊंगी कि यहां से ये चीज पढ़नी है, यहां से वो चीजें भी पढ़नी है, आपको लिखना भी है, आपको 10 बजे वाली मेरी पॉलिटी की क्लास भी करनी है, आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, आपको अपने लिए भी समय चाहिए। तो दो दो टॉपिक को हम एक साथ लेके चलेंगे, जैसे ही ये दो टॉपिक खत्म हो जाएंगे वैसे ही हम फिर सोशल जस्टिस और गवर्नेंस उठा देंगे। सेकंड पेपर खत्म, आपके नोट्स भी बन गए, आपने लेखन अभ्यास भी कर लिया, आपने लिख रख दिया उसको पैक करके, फिर हम आएंगे फर्स्ट पेपर पे। तो मेरा ये पैटर्न है, और याद रखिएगा जो स्टूडेंट
लगातार इस तरीके से दिसंबर तक जुड़ा रहेगा, वो फिर जनवरी में बात करना मेरे से, वो कितना आगे जा चुका होगा, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, दो तीन मुद्दों को छोड़ के। उनके लिए भी यदि बीच में हुआ तो मैं टीचर्स की व्यवस्था कर दूंगी, बेस्ट टीचर्स, जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मेंस वाला पोर्शन और आपका साइंस एंड टेक, ये मेरे बस के नहीं है। साइंस एंड टेक वगैरह तो भाई दूर दूर तक नहीं पढ़ा सकती, ठीक है, जो नहीं पढ़ा सकती वो नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, अपने एडुकेटर पे विश्वास रखिए और आप देखिएगा। और आप ऐसा करना, दो क्लास मेरी देखना और उसके बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके क्लास देख लेना, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। 2 लाख रुपए में भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, डंके की चोट पे कह रही हूं, जिस कंटेंट को मैं पढ़ाने वाली हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाली हूँ, कंटेंट के साथ इंपॉर्टेंट होता है तरीका। आपको समझ में आ रहा है क्या मेरा पढ़ाया हुआ? मैं बार बार रिवाइज कर करके आपके दिमाग में बिठा पा रही हूँ चीजों को कि नहीं बैठा पा रही हूँ? मैं आपको सोचने पे मजबूर करवा पा रही हूँ कि नहीं करवा पा रही हूँ? तो फिर ये सारी चीजें आपको, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है मेरे पढ़ाने का तरीके का, मेरे डेडिकेशन का, तो वो विश्वास कर सकते हैं। अब हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे, ये बात समझ में आई? और यदि आप मेरे से भी नहीं पढ़ रहे हो दोस्तों, यदि आप अपने आप भी पढ़ रहे हो, जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, आप इसी तरीके से पढ़ो। क्या क्वेश्चन बता रहे हो बच्चे? हिस्ट्री ऑप्शनल अभी जल्दी ही, जैसे एक बार शुरुआत होने दो ऐप पे, है ना, फिर जल्दी ही आपको हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत ही कम फीस में बेस्ट हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाऊंगी, बेहतर तरीके से, मतलब बेस्ट तरीके से। आतिया थैंक यू सो मच बच्चे, हिस्ट्री का बैच यार जल्दी लेके आऊंगी, एक बार एक बैच शुरू हो जाए उसके बाद। तो यदि कोई बच्चा मेरे से भी नहीं पढ़ रहा है तो आप इसी तरीके से पढ़िए, आप पूरे सिलेबस को पढ़िए, एक एक सिलेबस के पॉइंट पे आपके, एक एक सिलेबस के मुद्दे पे 10-10, 15-15 पॉइंट होने चाहिए। जैसे संसदीय सरकार है तो 10 पॉइंट, अध्यक्षात्मक सरकार है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे आप मौलिक अधिकार पढ़ रहे हो, जैसे आप प्रस्तावना पढ़ रहे हो, तो 5-5, 7-7 पॉइंट होने चाहिए ताकि एग्जाम हॉल में आपको सोचना ना पड़े। यही होते हैं आपके फाइनल नोट्स, जो आप नोट्स बनाते रहते हो ना किताबों से भी भारी भरकम, वो नोट्स नहीं बनाने, आपके नोट्स होते हैं कि सिलेबस के हर एक बिंदु पे आपके पास 5-5, 7-7 पॉइंट होना, खेल जाओगे, निकाल लोगे मेंस, ठीक है। आप करंट से ऐड करके पढ़िए, पिछले सालों के क्वेश्चन देखिए, उत्तर लेखन अभ्यास कीजिए, एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन को अभ्यास कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो। हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो जो पहला पेपर है हमारा जीएस का, जिसमें मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, स्वतंत्रता के बाद का भारत, और आपको भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ये मैं आप लोगों को कराऊंगी फर्स्ट पेपर। मेरा इतिहास ऑप्शनल रहा है, कई बच्चों को लग रहा होगा, जो अगर कोई नया बच्चा सुन रहा है कि मैम आप तो पॉलिटी पढ़ाती हैं तो आप हिस्ट्री कैसे पढ़ाएंगी, क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा है आईएएस मेंस में भी और जितने भी पीसीएस मेंस है हर जगह। तो इसलिए हिस्ट्री मैं बहुत ही बेहतर तरीके से सक्षम हूं पढ़ाने के लिए, इंडियन सोसाइटी, ये फर्स्ट पेपर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे अपना सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में सबसे पहले कल से जो क्लास शुरू होने वाली है वो पॉलिटी मेंस की शुरू होने वाली है, और अभी 5 जुलाई से इंटरनेशनल। जैसे ही ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, इनमें से एक भी कंप्लीट हुआ, फिर हम सोशल जस्टिस को उठा लेंगे और फिर गवर्नेंस को, दोनों को साथ लेके चलेंगे हम, क्योंकि इकट्ठा 3-3 चीजें पढ़ोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, फिर वो वही हो जाएगा, बड़े बड़े उद्देश्य और होना जाना कुछ है नहीं। तो व्यवहारिकता के साथ आगे बढ़ेंगे हम। जैसे मैं यदि ऑप्शनल भी शुरू करवाऊंगी ना, ऑप्शनल हफ्ते के हफ्ते नहीं पढ़ाऊंगी, ऑप्शनल की हफ्ते में 3-4 क्लासेस ही लूंगी, ताकि जो आप पढ़ रहे हो उसको सशक्त तरीके से रिवाइज भी करते जाओ। आपको हफ्ते में एक दिन पूरा रिवीजन का मिलेगा, आपको 15 दिन में मैं एक क्लास डाउट सेशन की रखा करूंगी, मतलब उस क्लास में कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, आधे घंटे 1 घंटे का जितनी भी देर आपके डाउट्स होंगे डाउट सेशन रखूंगी, कि हाँ आप अपने डाउट लिख के रखना। ये नहीं है कि फिर डाउट रह गए मन में और टीचर से हम पूछ ही नहीं पा रहे, डाउट सेशन की क्लासेस होंगी, ठीक। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे, सेकंड पेपर हमारा पहले चलेगा। थर्ड पेपर में मैं आपको साइंस एंड टेक नहीं पढ़ाऊंगी, इकोनॉमिक्स मेंस के लिए मैं नहीं पढ़ाऊंगी, पीटी वाली इकोनॉमिक्स हम पीटी में देखेंगे, यूट्यूब पे करेंगे। आपदा प्रबंधन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, और इंटरनल सिक्योरिटी, ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, इक्विवेलेंट चलेगा हमारा थर्ड पेपर,
तो मोटे तौर पे पहले पेपर में ज्योग्राफी को छोड़ के सब कुछ, सेकंड पेपर कंप्लीट, थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स और साइंस टेक को छोड़ के आपदा प्रबंधन और इंटरनल सिक्योरिटी, और फोर्थ पेपर आपका एथिक्स का जो थ्योरी है प्लस केस स्टडीज, ये मैं आप लोगों को कराऊंगी। यदि नवंबर तक हमारा पूरा कंप्लीट अच्छे से होता है तो फिर हम एक महीना एथिक्स को दे देंगे, मोटा मोटा एथिक्स को पढ़ लेंगे। और ऐसे मैं स्पेशल बैच लेके आऊंगी एस्से के ऊपर, कम से कम 20 दिन की क्लासेस होंगी, बहुत ही शानदार तरीके से आपको एस्से लिखना सिखाया जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है पहले हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन करें, है ना, अलग अलग माध्यमों से। तो ऐसे इस तरीके से ये सब कुछ ऐप पे चलेगा। और फिर एनसीईआरटी बैचेस, एक बार ये सारे बैचेस हमारे कंप्लीट हो जाएं ताकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहे आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, फिर हम लाइव एनसीईआरटी बैचेस चलाएंगे। अभी के लिए मेरी प्रायोरिटी है इतना आप लोगों को करवाना, जिसमें से पहले पार्ट की शुरुआत हो रही है, एक पहली शुरुआत हो रही है कल 12 बजे से ललिता दहिया अकेडमी ऐप पे। आपको क्या करना है, आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, अपने प्ले स्टोर में जाना, ललिता दहिया अकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करके साइन अप कर लेना, उसमें अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना, इंस्टॉल हो जाएगा। वहां पे आपको दो बैच दिखेंगे, पॉलिटी विद करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल विद करंट अफेयर्स। आपको जिस भी बैच में एडमिशन लेना है, आप जैसे पॉलिटी विद करंट अफेयर्स पे 2 बार क्लिक करेंगे, एनरोल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो ये फोन नंबर दिया है मेरा, और ये फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, 750-557-0959, 750-557-0959। इस फोन पे ये मेरे पास ही रहेगा, अभी अगले 1-2 दिन तक मैं अपने पास ही रखूंगी, उसके बाद मैं किसी टीम मेंबर को दे दूंगी, क्योंकि मेरी क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। तो अगर फीस में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों, यदि सपना देखा है, यदि उद्देश्य पूरा करना है, वास्तव में पूरा करना है, तो तरीके से पढ़ो, मजदूर की तरह मेहनत मत करो। पढ़े जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़े जा रहे हैं, उसका क्रक्स कुछ नहीं निकला। इंजीनियर की तरह मेहनत करो, यानी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो मेरे से अपना क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो प्रीति? हाँ ठीक है बच्चे, क्या बोल रहे हो मैम? मेंस का पूछा, दुनिया भर की बुक बता दे, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ें। देखो, एक-एक बेसिक बुक उठाओ, ज्यादा बुक्स मत पढ़ो, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो। जैसे यदि आप ये चाह रहे हो ना, लक्ष्मीकांत से आपका मेंस कवर हो जाएगा, तो मेंस कवर नहीं होता आपका लक्ष्मीकांत से, आपको मेंस में अतिरिक्त चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे आपको अभी कल से मैं बताऊंगी, आपको समझ में आएगा कि केवल लक्ष्मीकांत से मेंस नहीं होगा। लक्ष्मीकांत की जो बुक है पॉलिटी की, वो आपकी समझ को, आपका बेसिक क्लियर करने में सबसे बेहतर बुक है। आपका बेसिक वहां से क्लियर हो जाएगा, आपका पीटी की प्रिपरेशन वहां से हो जाएगी, लेकिन कंप्लीट मेंस यदि आप चाह रहे हैं कि वहां से कंप्लीट हो जाए तो नहीं होगा। तो दोस्तों, अपने संसाधनों को बहुत, मतलब अपने जो मटेरियल को, अपने स्टडी मटेरियल को विस्तार करने से ज्यादा सही है कम पढ़ो लेकिन सशक्त पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार जितना मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो। यही पैटर्न हम अपनाएंगे और रिजल्ट देना है इसी पैटर्न पे। और जो बच्चे डेडिकेशन के साथ लगेंगे, वो स्पेशल फोकस में रहेंगे, उनको फिर चाहे मुझे पर्सनली एक तरीके से सिविल सर्वेंट्स की गाइडेंस दिलवानी पड़े तो मैं वो भी दिलवाऊंगी, ठीक है, याद रखना। निशा, नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? निशा बच्चे, ये अभी मुझे भी नहीं पता है, एक बार शुरू होने दो, 1-2 क्लासेस में हो सकता है नोटिफिकेशन वगैरह की दिक्कत आए, क्योंकि अभी, अब मेरी भी शुरुआत है, आपकी भी शुरुआत है, जैसे जैसे 1-2 दिन बीतेंगे, आप 12 बजे तैयार है ना, 12 बजे आपको नोटिफिकेशन वैसे मिल जाएगा, ठीक है, जैसे ही क्लास शुरू होगी कल 12 बजे। क्या बोल रही हूँ मैम, ये जो कोर्स लॉन्च किया है कितने दिन लाइव चलेगा? ये लाइव चल, अच्छा कितने दिन, हाँ ये बड़े बच्चों का डाउट आ रहा था कि मैम क्या हम लाइव ही देख पाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं है कि आप लाइव ही देख पाओगे, मान लो आप कोई काम कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड भी रहेगी क्लास आपके, आपने यदि एडमिशन ले रखा है तो वो रिकॉर्ड रहेगी क्लास, आप रिकॉर्ड फॉर्म में भी देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप लाइव ही देखोगे क्लास को।
ठीक है, लाइव तो देखोगे ही, लाइव के साथ वो रिकॉर्डेड रहेंगी एक साल तक, यानी आपका एक साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की, एक साल तक आप उस क्लास को मल्टीपल टाइम देख सकते हो, 20 बार, 30 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार भी देखना है आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइव हुई और उसके बाद आपको क्लास ही नहीं मिलेगी, आप मल्टीपल टाइम एक साल के लिए उस क्लास को कितनी भी बार देख सकते हो। ठीक है, यार फीस ना मैंने बहुत ही जितना मेरे से कम हो सका, क्योंकि दो दो महीने का कोर्स है, इससे कम फीस पॉलिटी में मैं रखने में बिल्कुल सक्षम नहीं थी, क्योंकि मेरे को भी तो टीम को देना होता है ना, मेरे पास भी घर से मैं पैसे नहीं लगा सकती। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, जैसे सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, सोसाइटी है, उसकी फीस आपको बिल्कुल ही कम दिखेगी, क्योंकि वो 20-25 दिन के टॉपिक है, उसमें आपको 750-800 इस तरीके की फीस मैंने रखी है। तो फीस स्ट्रक्चर से मत घबराओ यार, इतना तो फिर आप स्टूडेंट हो, आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि जब आप 2 रुपए दे के पढ़ते हो ना तो ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो, ये फैक्ट है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप फ्री में पढ़ते हो ना कि अरे छोड़ो आज क्लास को क्या करना, और जब आपने 5-10 रुपए दे रखे होते हैं ना किसी को, तो फिर आप अच्छे से पढ़ते हो। और 2 महीने के अकॉर्डिंग यानी 2100 को यदि आप 2100 भाग आप 60 करोगे तो आपको एक दिन का वैल्यू मिल जाएगा अपना, देख लेना कितना रुपया आपका बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, तो इसलिए थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, हर चीज फ्री आपको यूट्यूब पे मिल रहा है ना बच्चे, यूट्यूब पे तो हमारा पॉलिटी चल ही रहा है ना, तो उससे एक डेडिकेशन है आपका, आता है आपके अंदर भी, हाँ कि हमने भाई पैसे दे रखे हैं, 10 रुपए खर्च कर रखे हैं, तो हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, नहीं, यश बीज फैमिली याद रखिएगा बच्चे, यूट्यूब पे तो मेरी रेगुलर क्लास होती है, वो फ्री में ही होती है 10 बजे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ठीक है भाई, ध्यान रखना अच्छे से, आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, हमको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और किस तरीके से हम ऐप पे अपने प्रिपरेशन को आगे लेके जाएंगे, और जो बच्चे जुड़े रहेंगे दिसंबर तक वो अपने आप में फर्क देखेंगे। ठीक है, और हाँ एक अंतिम बात मैं जाने से पहले ये बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इतनी फीस में आईएएस बनेंगे, कई बच्चों को लग रहा होगा, कई बच्चे जो मुझे जानते हैं उनको पता है मेरे डेडिकेशन का, मेरे कंटेंट का, मेरे पढ़ाने के तरीके का, और एग्जाम में जो क्वेश्चन फंसते हैं उस लॉजिक का उन बच्चों को पता है, लेकिन कई नए बच्चे अगर मुझे सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा इतनी कम फीस में आईएएस बनेंगे। तो ध्यान रखना, ये बात डंके की चोट पे और लिखित तौर पे दे सकती हूँ कि जो कंटेंट आपको 2 लाख में भी नहीं मिलेगा वो कंटेंट मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी इंग्लिश मीडियम के इक्विवेलेंट, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, और इस प्रॉमिस को जैसे ही मेरा बैच खत्म होगा पॉलिटी का, तो मैं नहीं बोलूंगी, मेरे स्टूडेंट बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिसको एनरोल कराना है फटाफट ललिता दहिया अकेडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए और फटाफट एनरोल कर लीजिए। कल 12 बजे से हम मिलेंगे मेंस की क्लासेस में ऐप पे। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।